परमात्मा से प्रेम तथा उनके प्रति समर्पण, यही वास्तविक भक्ति कहलाती है। भक्ति का मार्ग सरल है। भक्ति मार्ग से हर कोई ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसमें यज्ञ, जप, तप, योग, उपवास आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल मनुष्य सरल स्वभाव का हो, उसके मन में कोई कुटिलता यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, छल कपट ना हो, और जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा संतुष्ट स्वभाव। मुझे पता है बच्चों, इन विषय विकारों से बचना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम मेरी शरण में हो, फिर तुम्हें चिंता किस बात की। तुमने मेरे सच्चरित्र अध्याय 24 में पढ़ा है ना, अन्ना चिंसनी कर बाहर से असहिष्णु प्रतीत होते थे, लेकिन अंतकरण से वे निष्कपटी थे, इसलिए मेरे प्रिय थे। दिल के साफ और दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचने वाले लोग मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम दिल से नेक हो, यह मेरे लिए पर्याप्त है। कोई दोष है तो उसका निराकरण मेरी भक्ति करेगी, तुम्हारा भला ही होगा। खुश रहो मेरे बच्चों।